और मैंने आज अपनी शादी का चूड़ा भी पहना है, ये देखिए। हम दोनों ने बारफा साथ में किया है और ये मेरे ब्लॉग में डेली देख लिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। शुरुआत हो गई है एक नए दिन की, थोड़ी बारिश और थोड़ी धूप के साथ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संगीता और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गाँव देवर से। सावन के महीने की संक्रांति है, आज से हमारे गढ़वाली महीनों में सावन का महीना शुरू हो गया है। और ये जो गाय का गोबर होता है उसको पलटी करते हैं, जिसको मरास बोलते हैं, मरास को बदलना। सो दोस्तों, ये है मुआव की टहनी और इस पे देख सकते हो फल। तो ये है मुआव और इनको लगाएंगे हम। हो गया मुआव, ये हो गया कौन जो, ये हो गया आया। इनको लगाएंगे, तो सबसे पहले आप सभी को हरेला पर्व और मुआव संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने अभी पूजा पाठ भी कर ली है और आज ही सावन महीने का पहला सोमवार भी है, तो हम आज दोनों जा रहे हैं मंदिर में विश्वनाथ में। और यहाँ पे मैडम जी अभी तैयार हो रखी है पूरे श्रृंगार में और बस साड़ी लगानी बाकी है और बाकी तैयार हो गए हैं। और बस मैं भी जीन्स पैंट लगाता हूँ और तैयार होता है। ये देखो साड़ी लग चुकी है, बस अब थोड़ा ये पल्लू लगाना है और थोड़ा सा बालों का मेकअप करना है। ठीक है। सो दोस्तों, फाइनली अभी मैडम जी भी तैयार हो गई हैं और मैं भी, तो चलिए अब हम मंदिर में जाएंगे। और मैंने आज अपनी शादी का चूड़ा भी पहना है, ये देखिए। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं मंदिर में। और ये पल्लू मेरे सर में बिल्कुल भी नहीं दे रहा, नीचे खिसक रहा। तो दोस्तों, यहाँ से अभी पूजा की थाली भी ले ली है और यहाँ पे है मंदिर, ये देख सकते हो। और दोस्तों, आज सावन के महीने का पहला सोमवार है, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आ रखे हैं, ये देखो। शादी के बाद हमें फर्स्ट टाइम आ रहे थे, कैसा लगा आपको? ठीक है, पहले पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, अभी हमने पूजा पाठ कर लिया है और मैं आपको थोड़ा काशी विश्वनाथ के मंदिर में बता दूं। यह मंदिर 5000 साल पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि जब पांडव वहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो भगवान शिव ने यहाँ पर इस स्थान पर उपवास धारण कर लिया था और जिसके बाद पांडवों ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। और यहाँ पर भगवान शिव ने गुप्तवास धारण किया, इसलिए इस स्थान का नाम काशी विश्वनाथ गुप्त काशी पड़ा। और ब्लॉग बनाने के लिए हम मंदिर के पीछे आ रखे हैं क्योंकि मंदिर के आगे बहुत हल्ला हो रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही, इस वजह से हम ब्लॉग बनाने के लिए पीछे आ रखे हैं। आगे का हम खाली आपको वीडियो दिखाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। इस वजह से हम यहाँ मंदिर के पीछे हैं और मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, अब पूजा पाठ भी मैंने कर दिया है, अब हम जाएंगे हनुमान मंदिर में यहाँ ऊपर। क्लासमेट हम दोनों ने बारफा साथ में किया है और ये मेरे ब्लॉग में डेली देख लिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका नाम है कविता, मेरी स्कूल की फ्रेंड है। ठीक है, ठीक है, देखते रहना है। और जब भी आप केदारनाथ यात्रा करो तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करिएगा क्योंकि काशी विश्वनाथ को केदारनाथ का पहला पड़ाव माना जाता है, यही केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, जो ये आप कुंड देख रहे होंगे, तो इस कुंड का नाम है मणिकर्णिका कुंड और यहाँ पे जो दो जलधारा हैं तो इनको गंगा और यमुना की संज्ञा दी जाती है और यही पानी डेली शिवालय को चढ़ाया जाता है शिवलिंग में विश्वनाथ में। और आज आप देख सकते हो सावन के महीने का पहला सोमवार है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। मंदिर के मार्ग से कुछ ऐसा दिखता है काशी विश्वनाथ मंदिर का नज़ारा।
देखो आइसक्रीम खा रही है, गर्म हो गया बहुत ज्यादा। और बाकी चूड़े पहन लिया इसने, मैंने सावन की चूड़ियाँ भी पहन ली और मेहंदी कल रात को लगा दी थी। और आजकल मार्केट में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी थी आज मंदिर में, इसकी वजह से हमने क्या क्या बनी। सो दोस्तों जस्ट अभी आ रहे हैं हम घर, और बाकी क्या ही बताएं, मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पसीने से आप देख सकते हो हालत ख़राब हो गई है मैडम जी की। मैंने तो व्रत रखा है, ये तो रखोगी? चलो मंदिर में पूजा कर लिया है, आप खाना खा सकते हो, पर मैंने तो रखा है, मैं रखूँगा पूरे मतलब सावन के महीने, देखते हैं। तो थोड़ा कपड़े कुपड़े चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मंदिर से आने के बाद दोपहर में थोड़ा आराम किया और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। और बाकी अभी बारिश थम चुकी है और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। और मैडम जी और माँ अभी चले गए हैं घास काटने के लिए खेत में, और घर में अभी मैं ही हूँ। और बाकी यहाँ भी वही वाला सीन रुका है, छत में पानी रुका है, तो इसकी भी जल्दी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पानी की वजह से नीचे कमरों में सीलन आ रही है यहाँ भी। सो दोस्तों अभी रात के 9 बजे का टाइम हो चुका है और खाना भी हो चुका है, तो इसी के साथ आज की ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।